ओम वंदे गौ मात्रा मित्रों, आज ईश्वर से कैसे मांगे इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। मित्रों, मैं एक बार कहीं सत्संग सुन रही थी, किसी आर्य समाज में कहीं सत्संग था। उसमें जो उन्होंने बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी, वही बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि ईश्वर देने में देर नहीं लगाता, पर यदि आप ईश्वर से मांगेंगे तो ईश्वर को भ्रम होता है कि ईश्वर आपको क्या दे। आप कहेंगे ईश्वर को भी भ्रम होता है? जी हाँ, ईश्वर को भी भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है, आइए स्पष्ट कर लेते हैं। आपको एक बात पता होगी कि कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता, हर कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, पर मिलता है। तो जब कर्म का फल है, कर्म का विधान है, तो बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा, ये भी निश्चित है, ये भी उतना ही सत्य है। अब मैंने जो वहाँ वाक्य सुना था, वो वाक्य कुछ इस प्रकार था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना तो करूँगा लेकिन मांगूँगा कुछ नहीं, क्योंकि मांगने से ईश्वर मुझे वो नहीं दे सकता जो सही है, पर यदि मैं अधिकारी बन जाऊँ तो मुझे वो दे सकता है जिसके मैं अधिकारी हूँ। कैसे? माना कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे 90% नंबर आए, लेकिन इच्छा हर कोई कर सकता है और होनी भी चाहिए, बड़ी आशाएं होनी चाहिए, लेकिन यदि मेरी मेहनत 80% की है तो ईश्वर मुझे 90% कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, वो 80% ही देगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ मेरे साथ क्या होगी? गड़बड़ ये होगी कि मुझे कहीं ऐसा लगेगा ईश्वर मेरी पूरी बात नहीं सुनता, या ईश्वर मेरी सुनता नहीं है, क्योंकि उसने मुझे जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं दिया। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मैंने मांग 90% के लिए की, लेकिन मेरी मेहनत 95% की थी, तो मेरे 95% नंबर आने चाहिए। लेकिन यहाँ ईश्वर को वापस भ्रम होता है कि यदि मैं 90 के जगह इसने 90 मांगे और मैं 95 दे दूँ तो इसको कहीं घमंड ना हो जाए, क्योंकि दोनों ही स्थितियाँ मनुष्य के लिए घातक हैं। तो अब ईश्वर करे क्या, 90 दे के 95 दे? क्योंकि 95 देता तो मुझे घमंडी होने का पूरा खतरा है, और कभी भी माता पिता या परमपिता अपने बच्चों को घमंडी नहीं बनाना चाहते। हाँ, स्वाभिमान होना चाहिए पर अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ हिंदी में तो घमंड ही कहते हैं। आप हिंदी शायद आपको घमंड समझ में आ जाएगा, जिसमें इंसान बंद कुछ किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बस आई एम द बेस्ट, आई एम द, मैं सबसे ऊपर हूँ, ऐसा जो सोचता है उसको घमंडी कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं आप मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग पूछते हैं इंग्लिश में, आप इंग्लिश में क्यों नहीं बताते? टाइटल ही इंग्लिश में मिल जाएगा, पर अभी मैं इंग्लिश में घमंड को नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो बच्चे से पूछ के मैं डाल दूँगी। तो क्या है कि मुझे यदि ईश्वर को घमंडी होने से बचाना है तो मेरी मांगने से ज़्यादा नहीं दे सकता, और कर्म से ज़्यादा तो मिलता नहीं, तो दोनों ही स्थितियाँ घातक हैं। इसलिए अपना कर्म करिए और ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझे कभी भी सन्मार्ग पर चलाइए, सत्मार्ग पर चलाइए, जिससे मैं अपना और अपना हित तो साध सकूं पर किसी का अहित ना हो मुझसे। यदि आप इस भावना के साथ जीवन जीते हैं तो आप जीवन में कभी निराश और हताश नहीं होंगे, आप देखेंगे कि आपको सब चीज़ें आगे बढ़ के मिलती हैं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों को बताइए, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और यदि आपके कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, या इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप हमें भी वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।